अगर आप यूपी में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है खास, क्योंकि अभी तक आपको, अगर आप जर्नल में हैं तो आपको 40 साल की उम्र तक मौका मिलता था, लेकिन अब मिलेगा मौका केवल 30 साल की उम्र तक अगर ये नियम हो जाता है पास। क्या है खबर पूरी देख लेते हैं। नौकरी में भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। अब जहाँ यूपी में अभी अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 40 वर्ष तक, जबकि आवेदन आरक्षित वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष और थी, इसे 35 वर्ष करने की सिफारिश की गई है। मतलब जो 40 है उसे 30 और जो 45 है उसे 35 करने की सिफारिश की गई है। देखिए, सभी से जुड़ी खबर है। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। देखिए, दोनों ही बातें गलत हैं। अगर आयु 40 साल है तो चलिए, अच्छे मौके मिल रहे हैं, ज़्यादा मौके मिल रहे हैं अभ्यर्थी को। और साथ ही साथ अगर आदमी, कोई भी अभ्यर्थी एक जगह सरकारी नौकरी ले लेता है तो क्या वो अपनी क्षमता को आगे नहीं आ सकता? सपोज करो कोई एक अच्छा पढ़ने वाला ग्रुप डी में भर्ती हो जाता है, और अगर वो आगे उस भर्ती के लिए फार्म ही नहीं अप्लाई कर पाने का, तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेगा? विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशील एवं दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह समय सीमा जो है 45 वर्ष है। सपा शासन काल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु की सीमा 35 से बढ़ाकर 40 कर दी गई थी, और 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा से पहले यह 32 वर्ष थी। मतलब सबसे पहले 32 वर्ष थी, फिर 35 वर्ष हुई और फिर 40 वर्ष की गई। तो 40 वर्ष होने पर काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ बच्चों को। यहाँ पर देखें, सरकारी नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के लिए केवल 2 मौके। यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि अगर आप एक बार कोई सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो अब उसके बाद जो है, अगर ये नियम, ये सिफारिश मान ली जाती है, तो केवल आपको 2 मौके और मिलेंगे आप किसी दूसरी नौकरी में अगर फार्म भरना चाहते हैं। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कर्मी को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर दिए जाने का सुझाव दिया गया है। सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की सिफारिश भी की गई है। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। आपको क्या लगता है, आप क्या चाहते हैं कि ये उम्र 40 से घटाकर 30 वर्ष की जाए, 45 से घटाकर 35 वर्ष की जाए, या जो वर्तमान में है वही सही है? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें।